हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में जीजी प्लान के बारे में बात करने वाली हूँ। किस तरीके से आप उसे केयर कर सकते हो, कितनी वाचिंग की ज़रूरत है, कितनी सनलाइट की ज़रूरत है, किस तरीके का सॉइल चाहिए, कैसे फर्टिलाइज आप दे सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा केयर भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। जीजी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही इजी टू मेंटेन है। अगर आप हफ्ते भर, दो हफ्ते, तीन हफ्ते भी इसे पानी नहीं दोगे तब भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं आता, अच्छी तरह सर्वाइव करता है। तो इसका जो लाइट रिक्वायरमेंट है, इसको ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आप इसे अगर लो लाइट पे रखोगे तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा। पर बहुत अच्छे ग्रो के लिए आपको इसे ब्राइट लाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट पे रखना ज़रूरी है। इसका ग्रोथ बहुत ही वैसे स्लो होता है अदर्स प्लांट्स से। अगर आप लो लाइट पे रखोगे, अगर 5 लीव्स रहेगा तो उस तरीके का ही रह जाएगा, और अगर आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो उसका ग्रो अच्छा रहेगा। ये देखने भी बहुत खूबसूरत है। ये एक इंडोर प्लांट है। ये लो लाइट पे भी आप नॉर्मली रख सकते हो। आप किसी भी अपनी बेडरूम पे या कहीं भी आपके घर के किसी कोने पे अगर लाइट कम आता है और अगर आप सोच रहे हो कोई इंडोर प्लांट रखोगे तो ये प्लांट आप रख सकते हो बहुत इजीली। इस प्लांट का सॉइल ड्राई होने के बाद ही आपको इसे वाटरिंग करना है। ये एक सकुलिंग टाइप प्लांट है, इसीलिए इसके अंदर लीव्स के अंदर वाटर स्टोर रहता है। इसीलिए जब देखोगे आप प्लांट का जो सॉइल है वो ड्राई हो गया है तभी आप इसे वाटरिंग कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सॉइल ड्राई हुआ है नहीं, तब आप वाटरिंग मत कीजिए, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग से मर जाता है। अंडर वाटरिंग इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसका सॉइल आप जिस तरीके का भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वेल ड्रेनेड होनी चाहिए। वेल ड्रेनेड आपको पॉटिंग सॉइल बनाना है जो जिस तरीके का भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो वंस अ मंथ। इसका प्रोपोगेट इस तरीके का बेबी प्लांट निकलता है, उसको आप अलग करके कर सकते हो, या आप इसका एक स्टीम, हेल्दी स्टीम लेके इसको अगर पानी में आप रख दोगे तो आपका धीरे धीरे उससे रूट निकल आता है। और पानी को आपको चेंज करना है, आप 1-2 वीक्स या थोड़ा ज़्यादा बाद में आप चेंज कर लोगे तो ये अच्छी तरह ग्रो करता है, रूट निकलता आता है, ज़रूर निकल आता है, पर ये थोड़ा टाइम लगता है। एक्स्ट्रा केयर में मैं बताना चाहती हूँ, ये प्लांट को आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। और आप लो लाइट पे रख सकते हो, पर अच्छी सर्वाइव के लिए आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। और ये लीफ सबका जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो आप क्लॉथ से क्लीन कर सकते हो, सॉफ्ट क्लॉथ से आप इसे क्लीन कर सकते हो। और ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।